विदिशा जिले में सिविल लाइन पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी शहबाज खान ने बताया कि सिविल लाइन पुलिस ने ग्राम अहमदपुर के पास ग्राम थर के पास मैजिक वाहन को पकड़ा है, जिसमें एक आरोपी 38 पेटी अवैध देशी शराब लेकर जा रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 2 लाख रुपए की शराब समेत एक वाहन जब्त किया गया। जब्त वाहन की कीमत भी लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मुख्य आरोपी अमित फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। विदिशा से अजय सिकरवार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा द्वारा निर्देशित किया गया था कि अवैध शराब तस्करी और अवैध मादक पदार्थ का कार्य करने वाले आरोपियों को अभियान चलाकर कार्रवाई करना है। उसी के तहत कल हमारी थाना सिविल लाइन की टीम को सूचना मिली कि ग्राम थर के पास भारी मात्रा में एक मैजिक वाहन में शराब जा रही, जिस पर टीम ने घेराबंदी कर मैजिक वाहन को पकड़ा, जिसमें करीब 38 पेटी देसी अवैध शराब भरी हुई थी। उसमें 2 व्यक्ति थे, एक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम है आदित्य विश्वकर्मा, निवासी खरी फाटक। पूछताछ में इसने बताया है कि इसका मुख्य साथी जो सरगना है अमित सूर्यवंशी, इसने देगांव के आसपास से इसको शराब लोड कराई थी और विदिशा में अलग अलग जगह इसको